साले कम्मा का साले, मैं साले झूठ बोल रहे थे, झूठ बुलवा रहे थे एक्चुअली से, मैं झूठ बोलने वाला नहीं आज तो। हाँ साले ईद के दिल भरेगा साले कम्मा का साले मुझे मारा साले सच बोलने पे भी। शेख जी चुप रहूंगा बस। अरे कब से आवाज दे रही हो आप, सुनते क्यों नहीं हो? शेख जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कम्मा मैं क्या बोलू, मुझे तो चुप रहने में फायदा। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे सारे लोग झूठ बोलने में मारते थे और अब सच बोलने में भी मारते हैं। अभी भी पिटका रहा हूँ, देख मेरी शिकल। शेख जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, शेख जी मेरे पति को छुड़ा दो। मैं कैसे छुड़वा दूँ तेरे पति को? वो कह रहे हैं अगर शेख जी नहीं कहेगा तो हम छोड़ देंगे उसे, क्योंकि शेख जी ही गवाह है। एक बार चल के उन्हें बोल दो ना प्लीज। हाँ इंग्लिश हार रही है, इंग्लिश में बात कर रही है। शेख जी प्लीज एक बार चलो, चलो ना शेख जी प्लीज। अबे हाँ शेख जी तेरा बहुत बुरा करा डॉक्टर को फंसवा के, असली चोर तो साला वो है खोके के पीछे बता रहा एड्रेस, डॉक्टर को छुड़वा देता हूँ। क्या सोच रहे हैं शेख जी, चलिए ना प्लीज एक बार चलिए। हाँ 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 चल 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 चल। हाँ भाई आप बता कहाँ कहाँ करी इधर ने चोरी? साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा काम चोरी का, डॉक्टर बता रहा है। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। बैठ गए। अब बताओ कैसे आना हुआ? आना क्या रहा है मतलब भाई, मुझे रामकिशन नाई ने बतलाया तुम्हारे यहाँ काम है, मुझे काम करना। काम तो है, कर लोगे? क्यों मैं काम नहीं कर सकता? क्या काम है? काम है खेत में कूड़ा इकट्ठा करना है, कर सकते हो? हाँ जी कर लूंगा, मगर वो होगा कैसे? वो सामने जेली रखी है। हाँ उससे होएगा, उसे उठाओ और खेत में जाओ, हमारे खेत तो देखे हैं। हाँ मैंने देखा तुम्हारा खेत, उसी में तो मखाना करने जाता हूँ रोज। ठीक है जाओ काम पे जाओ। काम करूँ मगर पैसे कितने मिलेंगे? पैसे 10 रुपए मिलेंगे, बोलो करोगे? 10 रुपए? रुखसाना करी थी घर में कुछ भी नहीं है, कर लेता हूँ 10 रुपए में, शाम को खाना तो बन ही जाएगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब मैं काम करने जा रहा हूँ। रहमत भाई ये जाली तो हिल रही है। यही है इसे ही ले जाओ। ठीक है तो भाई इसी को ले जा रहा हूँ। चलो खेत का काम भी। भैया 10 रुपए की जलेबी दियो। गरम भी है ना भैया? अरे भैया मीठी भी है क्या ना? कभी ऐसी बना रखी हो, पहले खा के देख लूं भैया, पैसे वापस ले लूंगी मीठी ना हुई तो। सही है। आया साला डॉक्टर का बच्चा बदला ले लिया साले से मैंने भी। हेलो कैसे पिटवाया? अरे बंद कर दिया। अम्मी अम्मी कहाँ फिर रही हो, कहाँ से आई हो? पहले तो ये बता तू कहाँ घूमता फिर है? ओ मैं तो एक होटल में आया हूँ, एक चोर को पकड़वा गया अम्मी। अच्छा तो ले थैला तो पकड़, चल। इसमें क्या अम्मी बहुत सा हो रहा? सब्जी है और क्या है तेरे अब्बू की पसंद की? अम्मी अम्मी मुझे पैसे दे गोलगप्पे खाई आऊंगा। बेटे पैसे तो खत्म हो गए, अभी तू पहले कहता मैंने अभी रबड़ी खा ली। रबड़ी खा ली? मेरे ध्यान ना रहा, अभी तू पहले आता तुझे गोलगप्पे भी खिला देती। गोलगप्पे भी खा लिए थे? जलेबी भी खा ली। जलेबी भी खा ली? ठीक है अब्बू से कहूंगा घर चल। ना चल। मेरे लाल अब्बू से ना कहियो, अब्बू नाराज हो जाएंगे और मारेंगे भी। तू एक काम कर, तू घर चल और मैं तुझे पैसे दूंगी और तू लेके भी चला जाइयो, खा भी लियो और रुखसाना के लिए ले भी जाइयो। ठीक है अभी तो कितनी अच्छी है अम्मी। बेटे शेखू अब्बू से मत कहियो नहीं तो तुझे भी मारेंगे। ठीक है कुछ बना ले। अब्बू जब सब्जी आएगी तभी तो कुछ बनेगा। अरे बेटा मैं कुछ बोलूंगा फिर वही रात की रात, और आज तो बिल्कुल हद कर दी, 4 घंटे हो गए। हाँ अब्बू लगता है पूरा बाजार लाएंगे उठा के।
आज आ जान दे, आज से उसका बाजार जाना बंद, हम खुद लाए लेंगे सब्जी। ये तो ठीक है अब्बू, सारा काम ठंडा करती हैं। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, मोटी मोटी है मेरी अम्मी, तेरी अम्मी अबू। यार रख देता सब्जी। आ गई। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि आज घर आने वाली नहीं है, कहीं लाभ बताओगे? हाँ हाँ, बैठी थी मैं तो वहाँ पे। मोल भाव तो करना ही ना पड़ता है, तुम तो घर बैठे बैठे हुकुम चलाते रहो, तुम्हें फ्री में मिल जाना। बाजार में जाके देखो तो पता चले, यही बैठे बैठे हुकुम चलाते रहो। और हम भी लोग जा रही है, बेशरम चुप हो जा, अब तक कहाँ थी? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, शेख चिल्ली भी मेरे साथ था। बता रे बता, सच बता, सच बोल, बता। मैं क्या बतलाऊं, अगर मैंने ये कहा कि अम्मी मुझे रास्ते मिली तो सच हो जाएगा, अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। अजी बोलो जी बोलो, क्यों चुप हो, क्या पूछ रहे हैं अब्बू? अब्बू, अम्मी बैठी थी नूरा के पास। ओ। नूरा ने पैसे दिए और नूरा ने सब्जी ला के दी और नूरा के साथ रबड़ी खाई और नूरा के साथ बैठी बतला रही थी। अरे ये क्या कह रहा है तू कमबख्त? अच्छा तो यार के साथ मार खाती फिर रही थी साली। अब्बू, अम्मी ये कह रही थी मेरे से, अपने अब्बू को मत बतलाना, मैं तुझे पैसे दूंगी। या अल्लाह, इस उम्र में ये चोचले कहीं डूब के ना मारा गया, भतेरी नदियां बह रही हैं। हाय अल्लाह, हराम जादे पिटवा रहा है, खड़ा खड़ा पिटवा रहा है। हट जा, सांड खत्म ही करेगा। मैं दिलाऊंगा तुझे पैसे, आज तूने जलालुद्दीन का नाम गिल्ला कर दिया और अपने लौंडे से कह रही है कि बुक बताना मत कहां मैं फिर चलने उठा रही थी। अरे मैं क्यों कहती इस हराम जादे से, मैं तो सब्जी लेके चल दी थी, यही मिला मुझे रास्ते में, पता ना कि जन्म का बैर निकाल रहा है। हाय अल्लाह, मुझे उठा ले, ऐसा सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इस हराम जादे को पैदा होते के साथ मैंने इसका गला क्यों ना दबा दिया? गला दबाने की जरूरत नहीं है, अब मैं ना रुकने वाली इस घर में जहाँ पूरा का पूरा खानदान घटिया और गिरा हुआ हो। जा जा, बहुत अच्छी है ना तू? तुमसे तो अच्छी ही हूँ, अपना रुकने की इस घर में मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ रुक जाना, वहाँ रुक जाना, वहाँ इस मुसीबत में कहाँ छोड़ कर जा रही हूँ मुझे कम वक्त। तुम तो मुझसे बोलो भी मत, तुम सारे मर जाओगे तब भी तुमसे ना बोलूं। जा रही हूँ मैं अब्बू के घर, जब तुम सारे सुधर जाओ तो आ जाना मुझे लेने, जा रही हूँ मैं। रुक जाना अम्मी, अम्मी रुक जाना, रोक ले कमबख्त, शकल को पीछे को कर ले, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, हमें जरूरत ना है उसकी। तुम्हें जरूरत ना, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। रुक जाना, रुक जाना, मैं सुनता सही, रुक जाना, रुक जाना, मैं सुनता सही, रुक जाना, रुक जाना मान्या, रुक जाना, रुक जाना मान्या। अच्छा अच्छा बतला, गोलगप्पे खाएगी? सेब संतरे केले? रुक जाना मान्या, बतला रुक जाना, छोड़ो। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहा है इसको, क्यों परेशान कर रहा है इसको? मैं तुम क्या धार लो, हम कैसे भी करें, चलो अपना काम करो। आपस की बात है, आपकी कुछ नहीं लगती है? ओए झूठ बोल देता हूँ वरना ताले मेरी अम्मी मर जाएगी। ना ना, मेरी कुछ नहीं लगती भाईजान। अबे जब ये तेरे कुछ नहीं लगती तो छेड़ क्यों रहा है? उबा मैं भी छेड़ता कब भगत, उबा मार दे, उबा मार दे कब भगत, उबा मार मार यार पिटवा दे रुदाला, उबा कब भगत गड़ी गड़ी पिटवा रही मुझे। भाईजान भाईजान छोड़ दो इन, भाईजान ये मेरे मियां हैं, दी भी हूं मैं इनकी। ये तो कह रहा था कि मेरी कुछ नहीं लगती। भाईजान इन्होंने गुस्से में कह दिया था, हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। जाओ तो फिर अपने अपने घर को जाओ, ठीक है? जल्दी घर चल। हाँ चलो चल चल, अम्मी से कह दूंगा मैं लाया हूँ मना के, तो चिंता मत मार, अब अम्मी से मैं कह दूंगा मैं लाया हूँ मना के। अरे आ गई लौट के ऊंची नाक वाली, अब ना कटी तेरी नाक, हमारा तो सारा खानदानी खराब है, अब क्यों आई? मैं ना आने वाली थी, वो तो तुम्हारा लौंडा ले आया मुझे मना के। अरे हम तो सोच रहे थे कटी रात, तू मना के लाया इसे। ओए मुझे झूठ बोलना है? मैं क्यों मना के लाता?
झूठ बोल रही है साले। है? अपना भाई अम्मी मैंने लाया से बना के। क्या? और वो तुम्हें उन आदमियों ने नहीं पीटा था? वो तो तुम पे तरस खा के आ गई मैं। हाँ? बड़ी तरस खाने वाली बन रही है। रोटी पका ले, अम्मी भी खाएंगी, अब्बू भी खाएंगे। अब्बू की तो टाल करो बेटा, अब्बू की सेवा की जरूरत ना, बहुत सेवा हो रही अब्बू की तो। अब्बू कहाँ चल दिया? मुझे जाना पंचायत में, रामफल के यहाँ चोरी हो गई। इतने तुम रोटी सोटी बनाओ और मैं पंचायत में होके अभी आ रहा हूँ। मैं क्या करूंगा यहाँ, मैं पंचायत में चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। पंचायत में चल मेरे साथ, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दियो। मैं भी बोलूंगा उल्टा सीधा। चलो लिख लो, चलो सर अंदर चल, अंदर चल। प्रधान जी चोर तो मैंने देखा नहीं, जैसा करो वैसा कर लो, मैं तो पंचायत के साथ। हाँ भाई तुम बोलो यागो, चोर तो हम में से एक है और जो सच बोलेगा। हाँ भाई नहीं तुम बता, जो सच बोलेगा ना उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। तू बोल भाई यू, मैं अब भी कह रहा हूँ जो सच बोलेगा उसे कुछ नहीं कहा जाने का। और जी क्या कहते देख रहे हैं, फिर बात देखो बात बिगड़ेगी, बात खराब होगी, इसलिए सच ही सच बोल दो। हाँ भाई शेख चुल्ली तू बोल। अगर मैं झूठ नहीं बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ, अब्बू का नाम ले देता हूँ। हाँ सुनो पंचो, चोरी मेरे अब्बू ने की है, अब्बू चोर है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? जलालुद्दीन क्या शेख चुल्ली ठीक कह रहा है? जी प्रधान जी इसकी बात तो मैं ना हो, ये तो पागल है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? अगर झूठ नहीं बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। हाँ पिटवाएगा, जब नहीं सोची, जब कल चुरा के ले गया माल, चोरी का माल लेगा, जब नहीं सोची कल को पिटाई भी हो सके पंचायत में। हाँ मेरा अब्बू चोर है, चोर है मेरा अब्बू, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा अब्बू ने माल चुराया। बोल तो आओ प्रधान जी, चलो शास्त्र ले लो। ये बहुत बड़ी कमी की बात है तुम्हारी, गांव के गांव में चोरी कर रहे, शर्म नहीं आती? अबे कमा के खाया करो, कमा के खाया करो, तुमने हंगामा खड़ा कर रखा है। अरे प्रधान जी मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की। यकीन कैसे कर ले जब तेरा बेटा ही कह रहा? प्रधान जी वो तो पागल है, हमने चोरी नहीं करी। अगर पागल होता तो भाग क्यों जाता? प्रधान जी मेरा सामान दिलवा दो, अन्नी मैं तो पुलिस में जा रहा हूँ। हाँ तो अब बता दो सामान कहाँ है। भाइयों मारा यकीन करो, सामान हमारे पास नहीं है, नहीं है। क्या तो इस रामफल का माल दे दे, और नहीं तो पुलिस आ जाएगी, और पुलिस जी तेरा पिछोड़ा लाल कर देगी, नहीं अपने आप काट देगा माल को, समझ गया? उससे के बच्चे ऊपर के लाओ, और ये 3 दिन बंद रखो, और नहीं बताना है तो पुलिस को दे दो। ठीक है प्रधान जी। रुकसाना अम्मी, कहाँ घुस रही है? आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? रोटी पक गई, मुझे भूख लग रही है। कहाँ से पक गई रोटी? और हाँ पंचायत का क्या हुआ, फैसला हुआ कि नहीं? बेटे अब्बू का रिमांड ले रहे हो, चुप रहिए बेटा, से कुछ चुप रहने में फायदा। अरे बोलता क्यों ना है, क्या हुआ? रामफल का चोर मिला न मिला, उसका सामान मिला नहीं मिला? अम्मी चोर तो मिल गए, मगर पंचायत में फैसला हो रहा। या अल्लाह उस रामफल का सामान मिल जाना चाहिए। रुक जाना, कुछ खाने पीने को दे दे, मैं अंदर जा खाऊंगा। अगर कोई आए ना नुगे शेखशिली का, तो नुगे देना शेखशिली घर में नहीं है। अरे क्यों? हाँ तुम्हें सारी बात बताओ, तुम्हें पता नहीं है अम्मी, अगर भी आगे साले मुझे पीटने पड़ेंगे,
और 3 दिन तक मारूंगा। अब्बू को तो लेगा 3 दिन के कॉन्टेक्ट पे, पता नहीं साले कब छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है तुम अंदर जाओ। हाँ तुम अंदर जाओ। भाईजान वो तो पंचायत में गए हैं, अभी आए नहीं है। चलो चाबी मिला वही काटूंगा सारे। चल सारा अम्मी चले गए वे लोग। हाँ चले गए, क्या ड्रामा है ये। शेख जी वो छत पे कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें बता रही है, मैं छत पे बोल देता हूँ भाग जाऊंगा, कभी साले पैर कहाँ जाए। या अल्लाह इनकी खोपड़ी में क्या खिचड़ी पकती रहती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो चल के अपना काम करूं। चलो अम्मी। चल बेटी चल। हाँ आया साला, बस साला मुझे फंसवाने के चक्कर में। हाँ पागल मान रहे साले, बस साला मुझे पागल मान रहे। शेख चिल्ली कहाँ भाग रहे हो? मैं कौन हूँ, अब क्या पता? मैं हूँ तेरा शुभ चिंतक। देखो शुभ चिंतक जी, मैंने आपकी बात मानी, तुम्हारी बात मानने के चक्कर में मेरे परिवार ने बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख झेले, परंतु मैंने सच नहीं बोला। तुमने बहुत अच्छा किया, मगर आज का दिन तुम्हारे लिए और खतरनाक है। जब मैंने इतना कष्ट झेल लिया, इतनी तकलीफ झेल ली, तो उसे भी बताओ। तो सुनो, अगर आज तुम झूठ बोले तो तुम्हारे अब्बू मर जाएंगे। अब्बू मर जाएंगे? हाँ, आज के बाद तुम्हें सच बोलना है, वरना तुम्हारे अब्बू गए। क्या भाई क्या कह रहा शुभ चिंतक जी? नए नए लफड़ों में रोज फांसते हो मुझे तुम। खामोश, हम तुम्हें नए नए लफड़ों में नहीं फांस रहे, हम तेरे परिवार को बचा रहे हैं। आज शाम तक तुझे सच बोलना है, वरना तेरे अब्बू मर जाएंगे। ठीक है अब मैं सच बोलूंगा, मगर अपने अब्बू को नहीं मरने दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। अच्छा शुभ चिंतक जी अब मैं चलता हूँ, सलाम वालेकुम। अब्बू मैं आ रहा हूँ सच बोलने के लिए आ रहा हूँ। झूठ बोलने मम्मी नहीं मरने दी, और सच बोलने मैं तुझे नहीं मरने दू। आ लिया यार, गांव में इस टाइम कोई भी आदमी नहीं, सब गए हैं बाहर, और लड़का भी हमारा ड्यूटी पे गया है। और लो अल्लाह का नाम और काम शुरू करो। देखो जी हम तो काम शुरू कर देंगे अगर आपको एतराज ना हो तो। ना जी हमें कोई एतराज नहीं, आप शुरू कर दो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आगे से चुल्ली भी पढ़ो बिस्मिल्लाह, करो काम शुरू। काम शुरू? वाह कैसा काम शुरू कर रही हो। ये फैसल के रिश्ते वाले आए हैं, कह रहे लड़का दिखाओ। मैं कह रहा लड़का बिल्कुल सही है, देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टन लड़का, काम शुरू करो। मुल्ला जी लड़का तो सही है ना, तेरी गारंटी अगर कुछ कल गड़बड़ होगी तजे तेरी बख्शीश नहीं। फैसल का रिश्ता? ओ मेरे तो साला बड़ा बदतमीज अंधा काना लंगड़ा लूला साला, झूठ बोल रहे साले, इसलिए मुझे तो सच बोलना, मुझे तो अपना अब्बू बचाना। क्या सोच रहे हो मुल्ला जी? कुछ नहीं। अच्छा वो फैसल के रिश्ते की बात है, वैसे लड़का बहुत सुंदर है, तोतला जी बोलता। हाँ जिसे मिर्गी सीटती है, बता दी चेचक में आँख खराब हो गई थी। दारू पी का परसा गोबर में पड़ा था, वैसे नाली में मुंह निकल रहा उसका, वैसे लड़का बहुत अच्छा बहुत सुंदर है। ठीक है निकल लो, निकल लो कोई दिक्कत नहीं, इधर रह जाऊंगा। ठीक है मैंने सही नहीं कहा अपराध भाई? किसी की लौंडिया को ऐसे ही सड़ा हुआ लौंडा देते।